रेन वाइजर है जो नेक्सा जेन में एसेसरीज का पार्ट में आ जाता है। लाइट एलईडी लगी है जो 150 वॉट में है। फिर OEM कैमरा यहाँ फिटमेंट हो चुका है। स्टीयरिंग लेदर देखा है, एम्बिएंट लाइट का काम देखा है, सारा कैसा रहा? बहुत अच्छा है, पक्का पक्का। ग्रैंड विटारा का स्कफ प्लेट है प्रॉपर्ली, इसमें भी स्टिचिंग देखो कितनी फाइन क्वालिटी। ये वाला पूरा पार्ट इसके अंदर चेंज हो चुका है। पैनो ब्लैक आ चुका है जैसा टॉप मॉडल में आपको मिलता है। यहाँ पे एम्बिएंट जो है 0 to 0 फिटमेंट है। 7 पीस की किट आती है, पूरी किट यहाँ पूरी चेंज हो चुकी है। देख पाओगे इसका फिनिश बहुत अल्टीमेट लेवल का है। पाओगे यहाँ पे अपना ब्लू पंग का सिस्टम है, प्रॉपर्ली एज इट इज वर्किंग है। टीमेट फिटमेंट है, हर जगह से इसकी फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हो। आप स्टीयरिंग का भी लेदर है, आप देख सकते हो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज फिर से लेके आया हूँ, पहले तो नंबर देख लो, झारखंड नंबर प्लेट गाड़ी है, झारखंड से गाड़ी आई है। और स्पेशली जितना कुछ इसके अंदर हुआ है काम, सारा काम आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें एक बेस्ट से बेस्ट मॉडिफिकेशन के अंदर हुई है। और गाड़ी कल आई थी हमारे पास और आज रुकी हुई है। बहुत अच्छे लेवल पर सारा काम किया गया है और सारी चीज़ें डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इस वीडियो में बने रहिए। और आपके पास भी अगर ग्रैंड विटारा है या फ्रॉन्क्स है, आप देख पाओगे इसके पीछे फ्रॉन्क्स लगी है जिसमें पूरा अल्टीमेट लेवल का काम हुआ हुआ है। वो भी आपको आगे रेगुलर वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लेना, जिससे आपको रेगुलर मिल सके। एक फ्रॉन्क्स आप यहाँ भी देख पाओगे जो प्रॉपर लगी हुई है, जिसका सारा काम आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियोज़ में। अब चलते हैं इस गाड़ी का, देखते हैं कि क्या क्या लगा है ग्रैंड विटारा में और आप अपनी ग्रैंड विटारा में क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। विद कॉस्टिंग बताऊँगा, जिससे आप भी एक बेस्ट कॉस्ट में एक बेस्ट काम करा सकते हैं। तो सबसे पहले एज अ इंटीरियर में एज अ एक्सटीरियर में सारी चीज़ आपको बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूरी गाड़ी की तरफ। और सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर जो पूरी फ्रंट ग्रिल आती है वो ऑलरेडी आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलती है। हेडलाइट की तरफ आपको हेडलाइट गार्निश मिल गया है, जिसके ऊपर आपको 40% तक 40% तक जो डिस्काउंट है वो आपको 25 जनवरी तक देखने को मिलने वाला है। वैसे हमने पहले 25 दिया हुआ था, पर इस न्यू ईयर ऑफर, इस न्यू ईयर में आपको 40% तक ग्रैंड विटारा की नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज के अंदर आपको डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसके अंदर हेडलाइट LED लगी है जो 150 वॉट में है। 1800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बाकी जैसी भी आप क्वालिटी लेते हैं, जैसा भी फिटमेंट देते हैं अलग अलग, वैसे आपको वॉट के ऊपर देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको उसका भी थ्रो दिखा देता हूँ, क्या लाइट है क्या थ्रो है। आप सामने की तरफ देखोगे काफ़ी अच्छी लाइट के साथ आपको देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल आपको सिर्फ DRL है और ये लाइट थ्रो आपको देखने को, इतनी अच्छी खासी लाइट के बाद भी जो थ्रो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये एक अल्टीमेट लेवल का पार्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसका इसमें हॉर्न लग चुका है जो क्रेटा और सेल्टोस में आता है, उसका साउंड भी आप सुन सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा साउंड है, लाउड साउंड है। जैसे गाड़ी का लुक है सेम वैसा ही लुक आपको उसमें भी देखने को मिल रहा है, तो एक बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ ही आप साइड लुक में और साइड पार्ट में आप देखोगे ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज़ पियानो फिनिश हो चुका है। ये रीज़न है गाड़ी को 2 दिन रुकने का। और 2 दिन बाद जैसे गाड़ी का काम निकल के आया है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का आ चुका है, जो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही सिग्मा मॉडल गाड़ी रखी गई है यहाँ पे। अलॉय व्हील जो है वो टॉप मॉडल वाले लग गए हैं। इसकी भी कॉस्टिंग बता देता हूँ, कॉस्टिंग इसकी कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है। 28,000 से लेकर लगभग 33,000 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग जाती रहती है, कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 32, कभी 33। तो जब भी आप आते हैं तो एक बार आप कंफर्म करके आइए। अगर 28,000 है तो आपको पक्का 28 में ही देंगे। अगर आपको 30,000 रुपये कॉस्टिंग है तो 30 में ही देंगे। वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, जैसे भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसके साथ साथ इसके मिरर में रिले लगी है, जो चाबी से लॉक करोगे तो कंप्लीट इसका मिरर जो है लॉक हो जाएगा, अनलॉक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। प्रॉपरली वर्किंग आपको मिल जाता है। रेन वाइजर है जो नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट में आ जाता है, जिसमें 40% तक जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। डैम्पिंग इसमें हो गया है। डैम्पिंग का देखोगे आप, यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ढंडन ढंडन साउंड जो है वो देखने को मिलता है। और जहाँ डैम्पिंग है वहाँ देखोगे आप एक अलग ही साउंड, एक अलग ही जो ब्राइटनेस है, एक जो रियल जो फील है ना, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है जो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एक बार पीछे चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद अंदर आपको लेके चलूँगा। और जितनी चीज़ें मैं बाहर दिखा रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको अच्छी अंदर दिखाने वाला हूँ। बाकी इसमें जितनी भी नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज़ का पार्ट है, नेक्सा जेन्युइन मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स आती है, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ आगे। तो इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए, जिससे सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पे एक डोर गार्ड है जो प्रॉपरली छोटी सी चीज़ है, पर लगाने के बाद फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। चलते हैं पीछे और पीछे देखते हैं क्या क्या है। इसके साथ साथ पीछे आप देखोगे प्रॉपरली कैमरे की फिटमेंट है, जो कैमरा आप देख पाओगे यहाँ पे OEM कैमरा यहाँ फिटमेंट हो चुका है। बाकी अगर आपको यहाँ भी अगर फिटमेंट कराना है कैमरे का, भैया की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए नहीं हुआ, यहाँ भी आप करा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास होता है। इसके साथ साथ ही बूट में पार्सल आपका बूट मैट है पहले तो, जो प्रॉपरली फिटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बूट लाइट है जो प्रॉपरली आपका इससे भी चलता है और सेंसर के साथ भी वर्किंग रहता है। पार्सल ट्रे आपका यहाँ पे हो गया प्रॉपरली, जो OEM आता है आपका एज इट इज़ कंपनी का जेनवन, जिसमें आपको पार्ट नंबर जो भी होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कंप्लीट जो है। इसके साथ कुछ ये वाला पार्ट जो है वो भी इसके अंदर चेंज हो चुका है एज अ पियानो ब्लैक के साथ, जो पार्ट आपको आगे दिखाने वाला हूँ अंदर गाड़ी के अंदर। एक एक चीज़ जितनी भी फिट एंड फिनिश के साथ हुई है वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते अंदर और अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर आप डोर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आप पूरा ये वाला पार्ट देख सकते हैं, पूरा पियानो ब्लैक आ चुका है जैसा टॉप मॉडल में आपको मिलता है, सेम एज इट इज़। इसकी भी फिनिशिंग आप देखोगे बहुत अल्टीमेट फिनिश है, कहीं भी आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है या पार्ट में कोई कमी है। प्रॉपरली कहीं पे भी एक रिंकल नहीं मिल रहा आपको। ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो जेन्युइन मारुति सुजुकी ओरिजिनल आता है वही सेम चीज़ आपको देखने मिल रहा है। ये एसेसरी में नहीं आता, पार्ट्स में आता है, और पार्ट्स वाली चीज़ें भी आपको सेम प्रोवाइड की जाती है। ये सबसे अच्छी चीज़ आपको ऑटो यूनिक देता है। इसका हैंडल लीवर है जेन्युइन कंपनी का। इसके साथ साथ एक ऐसे फिनिश, एक ऐसी फिटमेंट जो लगेगा नहीं कि आपको यहाँ पर हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल टॉप मॉडल वाला है। वो है इसका इंटीरियर। एक बार इसकी फिटिंग और फिनिश आप देख पाओगे, बहुत अल्टीमेट फिटमेंट है। हर जगह से इसकी फिटिंग और फिनिशिंग आप देख सकते हो। इतना अच्छा फिटिंग है कि आपको देखने के बाद ना दिल खुश हो जाएगा। हो सकता है शायद कैमरे में इतने अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा हो, आपको नहीं देख पा रहे हो आप, पर जब आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका जो रियल कर्व है ना, वो पूरा कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा कर्व एज इट इज़ बन रहा है और वो प्रॉपरली फिटमेंट है। ये देखो, यहाँ से पूरा कर्व जो हो रहा है, ऐसा मुड़ रहा है, वो पूरा कर्व जो है बहुत अच्छे से आपको एज अ सिलाई डबल स्टिचिंग के साथ प्रॉपर जो है वो देखने को मिल रहा है। नीचे प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो एक एक चीज़ की फिटमेंट जो है वो पूरी हुई आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एम्बिएंट लाइट यहाँ लगी है, और एम्बिएंट लाइट का भी फिटमेंट आप देख पाओगे, बहुत अल्टीमेट है। एक बार मैं जलाने के बाद आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपना हैंडल लीवर है, ट्विटर लगे हैं, कंपोनेंट्स लगाए आगे, ट्विटर शैशे है, इसका भी आपको पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार मैं एम्बिएंट लाइट जला के दिखाता हूँ क्या फिटमेंट आ रही है, उसके बाद आप ही जज करके मुझे कमेंट में बताना कि कैसे फिटमेंट है, और आप भी क्या अपनी गाड़ी में ऐसा कराना चाहते हो या नहीं, वो भी देखने को मिलेगा आगे। इसके साथ साथ ही आप देखोगे प्रॉपरली यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का पार्ट है, जो प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा एज अ फिट एंड फिनिश के साथ। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जो है 0 to 0 फिटमेंट है, कहीं भी आपको अनइवन देखने को नहीं मिलेगा, और प्रॉपरली फिटमेंट है। जो स्पेस आता है वो स्पेस पर ही लगा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ लगवाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगेन आप चेक कर सकते हो, अल्टीमेट लेवल की फिटमेंट है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट होता है एक काम करने की फिनिशिंग, एक काम करने का तरीका, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगेन एक बार फिर देख लो आप, इसका डबल स्टिच का जो थ्रेड है कितनी फाइन क्वालिटी के साथ है, कहीं पे भी अनइवन नहीं लगा, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं लगा। और भैया को ये कलर लेने का सबसे बड़ा रीज़न था कि भैया ने झारखंड से ऑलरेडी सीट कवर लगवा लिए थे। एक बार आप सीट कवर में दिखा देता हूँ, एक सीट कवर भैया ने ऑलरेडी झारखंड से लगवा लिए थे। ये आप देख पाओगे, थोड़े से सीट कवर जो है ऐसे, ये नॉर्मल फिटिंग की गई है। बाकी यही सीट कवर आपने हमें अपने पास काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ, काफ़ी अच्छे थ्रेड के साथ, आपको फैब्रिक के साथ मैं आपको हमेशा हर वीडियोस में दिखाता हूँ। बाकी ऑप्शन है, चाहे तो आप हमारे पास भी करा सकते हैं सीट कवर का काम, सीट कवर का पार्ट। नीचे की तरफ देखोगे अपना ग्रैंड विटारा का स्कफ प्लेट है, जिसको आप वेलकम लाइट के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के अंदर है, लिखा हुआ ग्रैंड विटारा, और बहुत ऐसे नहीं कि आँखों पर चुभने वाला कलर है, बिल्कुल नॉर्मल कलर में है और काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है। इसके अंदर अगर बात करें, भैया का फ्लोरिंग वगैरह का काम, मैट का काम भैया पहले से था। बाकी डैश बोर्ड देख सकते हो, इसका फिनिश जैसे टॉप मॉडल में आता है उससे भी ज़्यादा अच्छा फिनिश, और इसमें एक एसेसरी वाला पार्ट भी आता है, उससे ज़्यादा अच्छा फिनिश है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कहीं भी अनइवन नहीं है, कहीं भी गैप नहीं आ रहा, प्रॉपरली आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्टिचिंग जो स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग होकर बिल्कुल लास्ट तक की पूरी स्टिचिंग जा रही है, जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो। और अगेन यहाँ पर भी आप एम्बिएंट लाइट का जो पार्ट है वो देख पाओगे, बहुत अच्छा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। और सेम यहाँ का पार्ट जो है, जो अपना 7 पीस की किट आती है, वो पूरी किट यहाँ पूरी चेंज हो चुकी है। यहाँ का पूरा पार्ट आता है वो पूरी चेंज हो चुकी है एज इट इज़, जो आप देख पाओगे। ये पूरा पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे ब्लू पंग का 900 जो अपना सिस्टम आता है, कीलार वाला, वो सिस्टम लग चुका है। यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट ऑलरेडी कंपनी से आता ही है। गियर नॉब यहाँ लग चुका है, यहाँ पे फ्रंट USB यहाँ लग चुका है। जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं स्टीयरिंग के अंदर कॉलिंग के जो कंट्रोल आते हैं वो सिर्फ वहाँ लग चुके हैं। कॉस्टिंग भी मैं अगर उसकी बता दूँ तो 1200 से 1500 रुपये के बीच में, थोड़ी बहुत कॉस्टिंग ऊपर नीचे जाती रहती है, पर 1500 रुपये मैक्सिमम उसकी कॉस्टिंग है जो आप लगवा सकते हैं। इसके साथ स्टीयरिंग का लेदर ऐप है, वो मैं उस तरफ जाके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से फिनिश है। बाकी इसमें जो मेन आप देखोगे ना, एज आ इंटीरियर में, एज आ एक्सटीरियर में जो काम हुआ है, आप देखोगे ये वाला पार्ट वाइट कलर की गाड़ी के अंदर, ये वाला पार्ट पूरा हमने पियानो ब्लैक किया है, जिसकी फाइन बिल्कुल क्वालिटी, फाइन फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है प्रॉपरली। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चलते हैं एक बार अंदर, अंदर दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप स्टीयरिंग का भी लेदर है, आप देख सकते हो, बहुत शानदार, बहुत फाइन क्वालिटी के अंदर है। आप यहाँ पे अगर देख पाओगे तो यहाँ की इसकी जो फिनिश है, इसका जो सिलाई करने का तरीका है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका फिनिश बहुत अल्टीमेट लेवल का है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसके नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा एज अ ब्राउन कलर के अंदर हो गया है, जो इसके टॉप मॉडल का कलर आता है। इसके ऊपर वाला पार्ट पूरा ब्लैक हो गया है, तो इसके अंदर एक बहुत अल्टीमेट लेवल का काम जो है देखने को मिल जाएगा। एम्बुलेट का पार्ट आप देख सकते हो, प्रॉपरली यहाँ से घूम के जा रहा है डैशबोर्ड में पूरा, वहाँ तक जहाँ तक इसका स्पेस आता है पूरा। और सेम इस तरफ में अपना छोटा वाला पार्ट जो लगता है वो एम्बुलेट यहाँ लग गया। और यहाँ भी आप देख पाओगे प्रॉपरली, ऐसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल पेंटेड पार्ट है, वो पूरा इंटीरियर का पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही एक जो छोटे वाले दो पार्ट आते हैं वो पार्ट आप यहाँ देख पाओगे प्रॉपरली। इसमें भी स्टिचिंग देखो कितनी फाइन क्वालिटी में लगा हुआ है, लग नहीं रहा, बिलीव नहीं हो रहा है कि यह यहाँ पे हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा। और ये सिर्फ मेरी बदौलत नहीं है, ये सिर्फ ऑटो यूनिक की बदौलत नहीं है, पूरी टीम है ऑटो यूनिक के साथ जो पूरा काम करती है, लगभग 30-35 लोगों की, जो पूरा का पूरा साफ है, जो पूरा आपको एक बेस्ट सर्विस, बेस्ट काम करके देता है, जैसा आप यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ऑलरेडी, आप भैया से जानते हैं उनको सारा काम कैसा है। इसके साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पे अपना ब्लू पंग का सिस्टम है, प्रॉपरली एज इट इज़ वर्किंग है। इसमें भी आप बैक कैमरे की फिटमेंट जो लगी है ये भी देख पाओगे, बहुत शानदार फिनिश के साथ है। बाकी इसमें आप ब्लू पंग का कैमरा भी लगा सकते हो, देखो कॉस्टिंग कैमरे में थोड़ा सा नीचे रखना था, बाकी कैमरा ब्लू पंग का अगर इसमें लगाते हो तो काफ़ी अच्छी फिनिश आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें एचडी कैमरे का भी ऑप्शन होता है, एचडी भी ऑप्शन होता है। बाकी ये जो है नॉर्मल कैमरा में लगाया, मूविंग हेड लेंस के साथ साथ। बाकी यहाँ भी आपको मैंने बताया ये वाला पूरा पार्ट इसके अंदर चेंज हो चुका है, जो 7 पीस की किट आती है, ये पूरा रिंग इसके अंदर लग चुका है जो एज इट इज़ आता है। इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा चेंज हो चुका है। एक एक चीज़ जितनी फिनिश के साथ है वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, और एक नेक्स्ट लेवल इंटीरियर आपको दिखाया। बाकी अपने पास फ्रॉन्क्स की हमेशा वीडियोज़ आपको अपलोड होती रहती है, ग्रैंड विटारा की हमेशा होती रहती है। बाकी आपके पास भी अगर ग्रैंड विटारा, मैं यही कहूँगा आप काम कहीं से कराइए, ऑटो यूनिक से एक बार चीज़ें समझ लीजिए, पता कर लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, फिनिशिंग देख लीजिए। देखो सीट कवर बोलने में बहुत आसान रहता है, पर जब आप अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं ना, अब ये भी एक सीट कवर लगा हुआ है और आपने हमारी वीडियोस भी देखी होगी। आप देखो ये मैं हाथ रख रहा हूँ यहाँ पे, और ये जैसे देख रहे हो ये हिल रहा है, ये देखो हमारे सीट कवर में ही एक अलग जान होती है, अलग फिटिंग होती है, बैठने के बाद एक फ़ील ही अलग होता है। मैं किसी और के काम को गलत नहीं कहूँगा, तो उसका तरीका काम करने का अलग है, हमारा तरीका अलग है, चीज़ की क्वालिटी अलग है। यही आप यहाँ पे देखिए और यही आप इंटीरियर में देखिए जो यहाँ पे हुआ है। भैया करा लाए थे इसलिए इसी कलर में कराना था, ये फिनिश और ये फिनिश में कितना फ़र्क है जो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है जो एक पार्ट में आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ही रूफ लाइट का ऑप्शन हो जाता है, आप वो भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ ही। अब चलते हैं भैया से जानते हैं सारा काम कैसा लगा उनको और क्या रेटिंग देंगे, क्या कॉस्टिंग आएगी सारे काम। तो फाइनली अपनी ग्रैंड विटारा का काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको टाइम दिखाया है, एक बार अगेन टाइम दिखा देता हूँ। रात के लगभग 2:42 हो रहे हैं और इस टाइम पर भैया का वीडियो शूट कर रहे हैं, सुबह ही हो गई एक तरीके से। भैया का जो है अपना, हम रात को काम नहीं करते, पर जो है थोड़ा लेट नाइट निकलना था भैया को, इसलिए बोला भैया रात को ही गाड़ी दे देना, और रात को वीडियो शूट करके आपको गाड़ी दे रहे हैं। देख सकते हो आप गाड़ी काम बहुत अल्टीमेट लेवल का हुआ है और काम बहुत अल्टीमेट लेवल का है। तो भैया से जानते हैं कि कहाँ से आए थे। वैसे तो आप देख ही पा रहे होगे, JH02 झारखंड की गाड़ी है। काम कैसा रहा और भैया को सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मवीर हुआ। कहाँ से हैं आप? अपने जवान से बताइएगा। रांची। रांची में कहाँ से भैया? हजारीबाग। हजारीबाग से भैया हैं, तो हमारे बारे में पता कैसे लगा था आपको? यूट्यूब से मैंने देखा था, वीडियोस आपने देखी थी, वीडियो देख के इतना बिलीव हो गया कि भैया स्पेशली रांची झारखंड से आप दिल्ली में आ गए। जी हम लोग तो कंटिन्यू गाड़ी चला के ही आए हैं। सुबह वहाँ हम लोग निकले थे हजारीबाग से 6 बजे, यहाँ दिन के 3 बजे पहुँचे हम लोग करोलबाग। क्या बात है जी, मतलब 6 बजे गाड़ी चलता रहा, सुबह स्टे भी नहीं कहीं। अरे वाह, मतलब हिम्मत है भैया की, बहुत बड़ी हिम्मत है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस हो गया? लगभग 1300 आने जाना दोनों? नहीं, सिर्फ आना, एक वन साइड का देख सकते हैं आप। झारखंड से एक साइड आना 1300 किलोमीटर, फिर 1300 जाना, यानी कि आना जाना दोनों 2600 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया भैया ने काम कराने के लिए। कुछ काम जो है भैया ने वहाँ भी करा लिया था, पर उसके बाद भी क्वालिटी में कुछ चीज़ों में इतनी अच्छी फिटिंग नहीं समझ में आई, इतना अच्छा काम समझ में नहीं आया। ये रीज़न की वजह से भैया यहाँ पर आए हैं। भैया अब यहाँ आना वर्थ इट रहा, जैसा आपने डोर इंटीरियर देखा है, जैसा बाकी चीज़ें आपने देखी, स्टीयरिंग लेदर देखा है, एम्बिएंट लाइट का काम देखा है, सारा कैसा रहा? बहुत अच्छा है। पक्का? पक्का लग रहा है इतनी दूर से आना, इतना। भैया 2 गाड़ी लेके आए थे, एक ग्रैंड विटारा थी, एक भैया की फ्रॉन्क्स है जो बाहर वहाँ खड़ी है जस्ट जाने के लिए, और कंप्लीट सारा काम उसका भी हो चुका है। उसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे काम हुआ है, आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक, उसकी भी वीडियो मिलने वाली है, कैसे हमने एक बेस्ट से बेस्ट काम करके दिया है। झारखंड से गाड़ी आई हुई। बाकी भैया इसमें कितने सेटिस्फाई हैं आप? दोनों गाड़ी में बताइए आप कितने सेटिस्फाई हैं सारा काम मिले के? 100% पक्का पक्का, ऐसा तो नहीं कि बोल रहे हैं तब आप पीछे से बोल, ठीक है आप लोग लग रहा है कि हाँ वर्थ इट है, इतनी दूर से आना, इतना कुछ मतलब आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया कहीं ना कहीं, इतना ट्रैवल करना, रुककर बिना रुका आना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है भैया आपको, हमारे व्यूअर्स भी आपको सारे सैल्यूट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। बाकी जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपके हमारे काम को देख के, आप ऑलरेडी कल आ गए थे हमारे पास और आज जा रहे हैं, 2 दिन का टाइम आपको लगा, तो सारी चीज़ों के लिए आप रिकमेंड क्या करेंगे? कोई जो आना चाहता है उसको आप बोलेंगे कि आ सकते हैं हमारे काम को देख सकते हैं यहाँ पे पक्का, और काम करवा सकते हैं पक्का, सही जगह, सही जगह है। और बाकी प्राइसिंग में कैसा रहा? सारा प्राइसिंग वो भी ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि वहाँ से आए हैं फ़ायदा नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं, बेनिफिट तो हुआ है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपका, बाकी आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मतलब सुबह से देख लो 10 बजे से लेके अभी 3 बज गए हैं, घंटे जोड़ लेना कितने घंटे हुए, बाकी सिर्फ इसलिए आपकी मेहनत में इतने लगे हुए हैं क्योंकि इतनी दूर दूर से आप आ पाते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और वही हम भी कोशिश करते हैं आपको अपनी तरफ से रिटर्न देने का। बाकी इतने सारे लोगों का प्यार है, कोशिश है, पूरी जितना कर पाएँ ज़रूर करेंगे, बाकी पूरी टीम ही एक तरीके से आपको देती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियोज़ के लिए एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू सो मच।